आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशिएट मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड परमानेंट सेल्स। तो हमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स और परमानेंट सेल्स में डिफरेंस बोलना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और यहाँ पे है परमानेंट सेल्स। तो फर्स्ट देखिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स। लेकिन परमानेंट सेल्स जो होते हैं वो डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूअसली, डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूअसली। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं और आइसो डायमेट्रिक होते हैं। स्मॉल सेल्स जो होते हैं, स्मॉल एंड आइसो डायमेट्रिक। और परमानेंट सेल की अगर बात करेंगे तो ये वेरिएबल इन शेप एंड साइज, वेरिएबल इन शेप एंड साइज। नेक्स्ट देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं उनका सेल वॉल थिन होता है, लेकिन परमानेंट सेल का जो सेल वॉल होता है वो थिक सेल वॉल होता है, थिक सेल वॉल। इसके बाद न्यूक्लियस लार्ज होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, न्यूक्लियस लार्ज। और यहां पे न्यूक्लियस स्मॉल होता है कंपैरेटिवली। वैक्यूल्स ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन परमानेंट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इंटरसेल्युलर स्पेस, ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनके बीच में नहीं होता, तो नो इंटरसेल्युलर स्पेस। लेकिन यहां पे ये प्रेजेंट होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ये हाई रेट में होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या सेल में, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन वही यहाँ पे लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी परमानेंट सेल्स में। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि इनके अगर टाइप हम देखेंगे तो वो सिंपल टिश्यू होंगे, और यहाँ पे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड परमानेंट सेल्स को। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।